नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ए बी टेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 के बारे में कि आप लोग खोए हुए आवेदन फॉर्म को कैसे दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के आवेदन पत्र खो चुके हैं क्योंकि भर्ती 2016 की है, 3 साल पुरानी भर्ती है और 3 साल आवेदन पत्रों को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं वही इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आपने देखा होगा कि जो चयन बोर्ड की ऑफिशियल साइट है वहाँ पर टीजीटी पीजीटी की आवेदन पत्र फॉर्म प्रिंट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में जो हम ट्रिक आपके सामने लेकर के हैं, जिस तरीके से आपको प्रिंट करना है, ठीक है, वो थोड़े से उसमें आपको टाइम लगेगा। अगर आपके पास सारी डिटेल्स हैं तब तो 1 मिनट में प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों आप देख सकते हैं ये चयन बोर्ड की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आवेदन पत्र प्रिंट करने से संबंधित नहीं है। रिजल्ट और आंसर की वगैरह यहाँ पर सिर्फ दिखा रहा है। अब आपको आवेदन पत्र कैसे प्रिंट करना, उसके लिए मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, parikshaupi.nic.in, ठीक है, लेकिन वहाँ से कई मित्र नहीं कर पा रहे थे, उनको दिक्कत हो रही थी, तो क्या किया मैंने इसको अपनी साइट पर डाल दिया। वहाँ से डायरेक्टली आप उस साइट पर जा सकते हैं और आवेदन पत्र प्रिंट कर सकते हैं। तो गूगल पे आपको डालना क्या है, governmentjobcenter.com, इस साइट पे आपको जाना है, ये हमारी साइट है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर की का सेक्शन है, नीचे की तरफ आपको मिलेगा आंसर की का सेक्शन है। यहाँ पर पहला ही जो लिंक है यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 रिवाइज्ड आंसर की, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। अब आपको नीचे आ जाना है, कहीं नहीं देखना है। आंसर की अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, रिजल्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको आवेदन पत्र प्रिंट करना है तो नीचे लिंक दिया गया प्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म, इसके सामने क्लिक हेयर दिया गया, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे, ये भी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशियल साइट है, बट ये NIC की वेबसाइट है क्योंकि जो होस्टिंग करता है वो NIC करता है चयन बोर्ड की, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप डायरेक्टली भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा आवेदन पत्र प्रिंट करने का, यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे प्रिंट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप, प्रिंट डिटेल्ड अप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं पता है तो आप इस वाले लिंक से क्लिक करके इनको पता कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका चयन हुआ है टीजीटी पीजीटी 2016 में तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा और रोल नंबर भी होगा, चाहे तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल्ड अप्लीकेशन कैसे प्रिंट करना ये बता रहा हूँ, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। इसके सामने आपके बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा, यहाँ पर सबसे ऊपर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा जो कि 16 अक्षर का होगा, ये डाल देना है, प्रवेश पत्र में आपके लिखा होगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी डालना है, ट्रांजैक्शन आईडी का मतलब है जब आपने फॉर्म भरा था टीजीटी पीजीटी 2016 का तो जो फीस आपने जमा की थी उसका रसीद नंबर यानी रिसिप्ट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर या जर्नल नंबर भी कहते हैं, ठीक है, वो डालना है। अगर आपके पास ये संख्या है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप 1 मिनट में आवेदन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तब प्रिंट होगा लेकिन आपको थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी डाल मतलब डेट डालना है, जिस दिन आपने फीस जमा किया हुआ है वो डेट डालना है, ठीक है। इसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ से, इसके बाद नीचे जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, कैप्चा कोड दिया गया या यहाँ पर डाल देना है, प्रोसीड कर देंगे, आपके सामने पूरा एप्लीकेशन भरा हुआ खुल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए या PDF में सेव कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं जिन कैंडिडेट के पास ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है वो लोग कैसे प्रिंट करेंगे। सबसे जो बड़ा टास्क है ट्रांजैक्शन आईडी पता करने का है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे ट्रांजैक्शन आईडी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर दिया गया कैंडिडेट होम पेज, इस लिंक पे आपको क्लिक करके होम पेज पे आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा फी डिपोजिशन या रिकॉन्सिलेशन, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अब एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म को आपको नहीं भरना है, आपको सिंपल सा नीचे आ जाना है, ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर से लिंक दिख रहा है इस लिंक को आपको क्लिक करना है, अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, और जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम जो मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ हो वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालना है। जैसे आप प्रोसीड बटन को क्लिक कर देंगे आपके सामने रेड कलर से यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ट्रांजैक्शन आईडी नोट कर लेना है, कागज़ में लिख लेना है, क्योंकि इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप कागज़ में लिख लेंगे। अब फिर से कैंडिडेट होम पेज पर आ जाना है आपको, और अपने जो फॉर्म प्रिंट करने वाला ऑप्शन है यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत अभी और आएगी आपको, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट भी पूछेगा। ट्रांजैक्शन आईडी तो आपको मिल गई यहाँ से, ठीक है, डाल देंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन डेट भी पूछ रहा है, मतलब जिस दिन आपने पेमेंट किया हुआ है उस दिन क्या तारीख थी। तो ये कैसे पता करेंगे? तो अगर आपके पास फीस रसीद है तो उसमें ट्रांजैक्शन आईडी भी लिखी होगी और ट्रांजैक्शन डेट भी लिखी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो करना क्या है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप है तो रजिस्ट्रेशन स्लिप में देखिएगा आपने फॉर्म किस डेट में भरा है। सपोज करो आपने 15 जुलाई को भरा है तो जाहिर सी बात है 15 जुलाई को फीस भी पेमेंट किया होगा आपने, या फिर हो सकता है 16 जुलाई को पे किया हो या 17 जुलाई को पे किया हो। तो बारी बारी से यहाँ पर डेट डाल देंगे तो जिस दिन आपका फॉर्म मतलब फीस पे हुई होगी सारी डिटेल्स मैच कर जाएंगी, तो यहाँ से आपको फॉर्म प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर आपके पास डेट नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो अब थोड़ा सा काम बढ़ गया। अब हमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी क्या पड़ेगी? आपको बैक आना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पे governmentjobcenter.com, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था रिवाइज आंसर की का लिंक खोलना है, इस लिंक पे आपको आना है फिर से वापस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, ठीक है। डेट्स में देखिएगा कि आवेदन पत्र कब शुरू हुए कब ख़त्म हुए हैं। तो TGT PGT 2016 के आवेदन फॉर्म 6 जून 2016 से भराने शुरू हो किए गए थे और 27 जुलाई 2016 इसकी लास्ट डेट थी भरने की। तो जाहिर सी बात है आपने इन्हीं डेट के बीच में फॉर्म भरा होगा। अब आपको बारी बारी से एक एक करके यहाँ पर डेट डाल डाल के चेक करना है। इस पेज में आपको बारी बारी से डेट डालना है, 6 जून 7 जून 8 जून 2016 इस तरीके से डालेंगे। जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया होगा उस दिन जब ये मैच कर जाएगा आपका आवेदन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरा फॉर्म अपना प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास फीस रसीद है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं, तुरंत प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तब थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिन मित्रों का आवेदन पत्र प्रिंट हो जाए वो लोग कमेंट करिएगा, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा कि हमने जो बताया वो सही बताया, आप लोगों को सफलता मिली इसमें और आप लोगों की परेशानी दूर हुई। तो कमेंट जरूर करिएगा, और आपको बताना डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक, वेबसाइट के लिंक सभी दिए गए, वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं। आपको दोस्तों एक सूचना और बताना चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब सेंटर पर आपको UP TGT PGT 2016 का एक कट ऑफ सर्वे चल रहा है, इसमें पार्टिसिपेट करना है। अब इसको पार्टिसिपेट करने के लिए इस लिंक पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो UP TGT 2016 कट ऑफ सर्वे, PGT 2016 कट ऑफ सर्वे, इस पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने एग्ज़ाम दिया हो उस पे आपको क्लिक कर देना है। इस सर्वे में पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कि अधिकतर लोगों को पता नहीं कट ऑफ कितनी गई है, क्योंकि चयन बोर्ड कट ऑफ डिक्लेयर भी नहीं करता है, अधिकतर लोगों को डाउट रहता है। तो यहाँ से जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो एक कट ऑफ का आकलन हो जाएगा बाकी मित्रों के लिए। तो छोटी सी हेल्प है बाकी मित्रों के लिए, जरूर करिएगा ये फॉर्म, जरूर भरिएगा, छोटा सा फॉर्म है इसको आप लोग फिल ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी लिंक दिए गए हैं उनको भी आप लोग चेक जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, ठीक है। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी साइट है, इस साइट पे लगातार आप लोग विजिट करते रहे, यहाँ पर जितनी भी न्यूज होती है आपको ऑथेंटिक रूप से सारी न्यूज मिलती है, ठीक है। यहाँ पर सब विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाती है, रिजल्ट से लेकर एडमिट कार्ड से लेकर के लेटेस्ट जॉब आंसर की सिलेबस और जो इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो लगातार आप लोग विजिट करते रहे इस वेबसाइट पर, ठीक है।
बुकमार्क में आप इसको सेव भी कर सकते हैं ताकि आपको वेबसाइट ढूंढना ना पड़े बार बार, आपको आज आराम से वेबसाइट खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप बुकमार्क में सेव कर लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।